सो गाइस बाइक की लुक कुछ इस टाइप की आ रही है, फ्रंट साइड का नंबर प्लेट भी कर दिया इंस्टॉल हमने, और भाई जो मैं प्रॉमिस करता हूँ वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अपनी बैटमैन को ना भगाएंगे तगड़ा और आप लोग मस्त वाला ब्लॉग करेंगे। चलो निकलते हैं। ये देखो इसको देखो, इसको लेन कैसे चेंज कर रहा है। ट्रक वाले का ना एक्सीडेंट होता है हाईवे पे, बाइक को भाई इसके ऊपर से लेकर जाना पड़ेगा। लो भाई बाइक फंस गई। इधर अपनी लगी हुई है बैटमैन, और भाई ये बाइक ना भाई लास्ट 7 डेज से इधर ही खड़ी है। देखो भाई कितनी गंदी हो रखी है। ओ भाई ये देखो, ये किसी ने तोड़ दिया, देख रहे हो। तो गाइस फिलहाल अभी अपन है गड़ी बसंग के पास। भाई भीड़ देख रहे हो भाई, बाबा के नगरी में कितना ज़्यादा भीड़ है। ये देखो मंदिर भाई, सभी ना एक बार कॉमेंट में ना हरण महादेव लिख दो यार, यहाँ पर आते ही ना वाइब्स ही अलग आते हैं। चलो बहुत भीड़ है, आप लोग इधर ही दर्शन कर लो बाहर से ही। तो बाइक की पावर चेक करते हैं। वो तगड़ा बाइक को पार्क कर लेते भाई साइड में कहीं पे पहले तो, और फिर उसके बाद इंट्रो करते हैं। चलो इधर अपनी बाइक होगी पार्क। तो हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे, उम्मीद करो यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी। तो भाई इधर अपनी ना बाइक पार्क हो रखी है। भाई ये ना बार बार निकल जा रहा है, इसको सही करवाना पड़ेगा। तो भाई बाइक को ना अपने एग्जॉस्ट लगा दिए भाई, देख लो स्टॉक वाली, क्योंकि जो मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट ब्लॉग में वो मैंने कंप्लीट कर दिया। पीछे के साइड नंबर प्लेट्स भी है, इधर साइड में देख लो एग्जॉस्ट भी इंस्टॉल हो चुका है स्टॉक वाला, फ्रंट साइड भी नंबर प्लेट उन्होंने इंस्टॉल कर दिया। बाइक की लुक कुछ इस टाइप की आ रही है, फ्रंट साइड का नंबर प्लेट भी कर दिया इंस्टॉल उन्होंने, और भाई जो मैं प्रॉमिस करता हूँ वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। देख भाई लोकेशन अपना वो मोतीझील पुल ही है जहाँ से मैं निकल गया था, और भाई अभी फिलहाल अपने इधर ही रुके हुए हैं। इधर अपना स्टॉक साइलेंसर भी है, और भाई नंबर प्लेट भी इंस्टॉल हो चुका हुआ है। तो भाई आज का ब्लॉग तबाही होने वाला है, क्योंकि अपन निकल रहे हैं हाईवे वाली साइड, ठीक है। तो आप लोग ना भाई ब्लॉग को थोड़ा भी स्किप मत करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। और भाई आज ना बाइक को भगाएंगे काफ़ी ज़्यादा। देखो भाई ये चेक करो, बूम। तो भाई अभी निकलते हैं हाईवे वाली साइड, और भाई उसके बाद ना आप सभी से मिलते हैं। चलो बस काफ़ी दिन से भाई चैनल पे कोई भी ब्लॉग नहीं आया भाई, अप्रॉक्स ना 7 डेज हो गया भाई चैनल पे कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ है। भाई उसके पीछे भी ना एक रीज़न है, भाई मेरे भैया की तबीयत सडनली ख़राब हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो उनको हॉस्पिटल वगैरह शिफ्ट करना पड़ा भाई, भाई मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था मैं ब्लॉग कर पाऊँ। मैंने भाई बहुत ही कोशिश की, बट भाई घर की सिचुएशन ना पहले देखनी पड़ती है। और मैं आप लोग को ना यही सजेस्ट करूँगा कि भाई कभी भी ना आप लोग के घर पे कुछ प्रॉब्लम हो ना, तो भाई पहले ना अपने घर वालों के साथ एक्सटेंड करो, ठीक है भाई। ये ब्लॉगिंग वगैरह क्या ये सब तो होते रहेगा भाई, ये तो लाइफ टाइम है, लेकिन भाई पहले ना घर देखना पड़ता है। सो गाइस फिलहाल हम लोग NH 28 पे, और भाई अभी ऐसा सीन है ना मुझे जाना है भाई अपने कॉलेज, ठीक है भाई। हॉस्पिटल में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बट अभी मेरा एग्जाम है एलन मिश्रा कॉलेज में, तो अभी मैं सोचा क्यों ना आप लोग के लिए ब्लॉग कर दे, क्योंकि भाई टाइम बिल्कुल नहीं मिला। मैं कंटिन्यू हॉस्पिटल पर रह रहा हूँ, आप लोगों ने स्टोरी देखा होगा इंस्टाग्राम मैंने अपलोड किया था, ठीक है। तो भाई ऐसा सीन है ना कि अभी निकल रहे कॉलेज, सोचा आप लोग के लिए ब्लॉग कर लेते हैं। तो अपनी बैटमैन को ना भगाएंगे तगड़ा और आप लोग के लिए मस्त वाला ब्लॉग करेंगे। चलो निकलते हैं। भाई हाईवे देख लो फ्री नहीं है यार, क्या ही बाइक भगाए, कोई चक्कर नहीं। भाई ये NH ना काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, और अभी टाइम ना भाई सुबह का है, तो भाई बिजी रहना नॉर्मल सी बात है। चलो कोई चक्कर नहीं, भगा के देखते भाई। ओके 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 लेट्स गो ब्रो। ओके ये देख लो, ये देखो इसको देखो, इसको लेन कैसे चेंज कर रहा है। ओके तगड़ा भाई, इन ट्रक वालों का ना एक्सीडेंट होता है हाईवे पे भाई, कभी भी लेन अपना चेंज करके भाई ये ओवरटेक कर देते। देखो इसने क्यों रोका है ट्रक यहाँ पर, भाई इनके वजह से ना सिर्फ एक्सीडेंट्स होते हैं हाईवे पे। लिटरली भाई मैं बाइक भगाने का ट्राई कर रहा था, और ये पता नहीं क्यों ना क्यों रुक गया लेफ्ट करके। भैया इंडिकेटर दे दो। तो मैं घर से सोच के निकला था कि भाई बाइक को भगाएंगे, बट यहाँ पर ना भाई गैप मिल ही नहीं रहा बाइक भगाने के लिए। देखो भाई ट्रैफिक दिख रहे हो भाई, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, कोई चक्कर नहीं भाई निकलते। ओ भाई क्या बैलेंस किया मैंने, लेट्स गो ब्रो। ओ भाई ट्रैफिक फिल्टर ब्रो,
भाई अपना कॉलेज तो आने वाला है बट भाई बाइक भगाने का टाइम नहीं मिला। बट कोई चक्कर नहीं, मैंने थोड़ा ट्रैफिक फिल्टर किया, इधर पुलिस का सीन होगा देख लेते हैं। बट पुलिस होगी भी तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अपनी बाइक पे ना स्टॉक साइलेंसर हम लोगों ने लगवा लिया है। बट एक सीन है भाई, स्टॉक साइलेंसर में बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता भाई बाइक भगाने में, जो भाई फील आती है ना वो भाई एग्जॉस्ट के साथ ही आती है। बट कोई बात नहीं भाई, अभी पुलिस का बड़ा सीन हो रहा है इधर मुजफ्फरपुर में, तो भाई हमने स्टॉप कर दिया बाइक को और नंबर प्लेट से हमने इंस्टॉल कर दिया। ओके भाई रुक जा, चढ़ा दोगे क्या? हाँ कॉलेज की तरफ चलते हैं भाई, कॉलेज में ना देखते हैं, अगर शूट करने का चांस मिला तो अपन शूट करेंगे, या फिर एग्ज़ाम्स के बाद ना हाईवे पर निकलें तो एक बार और अटैम्प्ट करेंगे बाइक भगाने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो गाइस ये अपने कॉलेज का एक गेट, और भाई ये गेट तो बंद हो रखा है, देखते क्या सीन है, आगे से शायद खुला होगा, आई डोंट नो। भाई रास्ता है इधर, ओके भाई ये गाय हमें पटक के ना दे, अरे 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 बाबा। चलो भाई सामने वाला गेट तो खुला लग रहा है, बट ये भाई नारियल ये देख लो, इसको भाई ना बाइक को भाई इसके ऊपर से लेकर जाना पड़ेगा। लो भाई बाइक फंस गई, लद्दाख लाइट वाला फील ले रहा हूँ मैं तो। ओ भाई निकल गई। ओके भाई ये अपना एल एन मिश्रा कॉलेज, और यहाँ पर ना अपना एग्ज़ाम है, और भाई जल्दी ना मैं ये कॉलेज में एडमिशन लेने वाला हूँ, इधर ही पढ़ाई वढ़ाई होगी अपनी। तो चलो बाइक एंटर करते, देखते भाई ब्लॉक करने देते कि नहीं। ओके किधर पार कर दे, एग्ज़ाम देना एंट्रेंस का। सो गाइस ये कॉलेज का पार्किंग जोन, ठीक है इधर अपने बाइक को पार्क कर देते हैं। भाई एल एन मिश्रा कॉलेज में मुजफ्फरपुर में भाई मतलब बिजनेस मैनेजमेंट के लिए भाई बेस्ट मैं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना भाई सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और आप लोग का जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है ना भाई तो आप लोग ना प्लेसमेंट करवा के जाएगा। तो इधर अपने बैटमैन को पार्क कर दिया हम लोगों ने, और बाइक की लुक चेक करो भाई, थोड़ी गंदी हो रखी है बट कोई नहीं, इसको वॉश करवा देंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में ना आप लोगों को बाइक पूरी वॉश दिखने वाली है। सो गाइस देखते हैं क्या सीन बनता है, अगर कॉलेज का थोड़ा बहुत शूट कर पाएंगे तो आप लोग ज़रूर दिखाएंगे, नहीं तो फिर भाई एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद ना आप लोग से मिलते हैं डायरेक्ट चैनल। और हम लोग एल एन मिश्रा में आए हुए हैं, हमारा इंटरव्यू और एग्जाम था, एग्जाम हम लोग देख यहाँ पे बैठे हुए हैं। इंटरव्यू थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, पता नहीं क्या क्या होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, हमको कुछ नहीं पता है, मिलते हैं थोड़ी देर में, बताएंगे आपको क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या। सो गाइस फिलहाल तो अपन इधर से निकल रहे कॉलेज से, ठीक है भाई अपना ना एग्ज़ाम हो गया भाई, एग्ज़ाम तो उतना सही गया नहीं बट इंटरव्यू सही था, और भाई थोड़ा सा ना कॉलेज का चक्कर लगाते हुए निकलते हैं, देखते इधर साइड से रास्ता है या नहीं। एक गेट तो इधर है बट ये आई थिंक सो बंद है, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। एल एन मिश्रा कॉलेज ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है बहुत सही है ये। अब देखते भाई अपना इंटरव्यू वगैरह हुआ वो तो सही से गया, शायद भाई अपना सिलेक्शन वगैरह हो जाए इस कॉलेज में और एडमिशन वगैरह भी हो जाए, देखते हैं क्या सीन रहता है। पहले तो भाई इधर से निकलते हैं, देख रहे भाई कॉलेज के अंदर कितने सारे ब्रेकर बना रखे हैं, लग रहा है भाई यहाँ पर धूम फ्री जैसा कोई बाइक चलाता है। ओके चलो भाई निकलते हैं। लेट्स गो ब्रो, मिलते हैं आप लोग से जल्दी नए ब्लॉग के साथ, स्टे ट्यून। अब ट्राई करेंगे भाई कंटिन्यू ब्लॉग आते रहे आप लोगों के चैनल पे, तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट देते रहना, मिलते जल्दी नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय टेक केयर।